आज हम लोग यहाँ पे करेंगे i3 सेकेंड जनरेशन का डेस्कटॉप असेंबल, जिसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हमारे पास मदरबोर्ड, जो कि ये है। इसको भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये H61 का मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के अलावा हमारी रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए प्रोसेसर के फैन की। रैम जो कि हमारे पास 4 GB का रैम है, उसके अलावा प्रोसेसर i3 सेकेंड जनरेशन और SMPS पावर सप्लाई जो हमारे मदरबोर्ड को देगा। सबसे पहले हम लोग प्रोसेसर को लगाएंगे। प्रोसेसर लगाने के पहले हम एक क्लिप खोल करके इसके ऊपर एक बॉक्स लगा हुआ होता है, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। इसके बाद ये प्रोसेसर उठाएंगे। ये प्रोसेसर में दोनों साइड में ये इस तरह के कट मार्क रहता है, सेम कट मार्क हमारे बोर्ड पे भी रहता है। हमको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमको उसके अकॉर्डिंग सिर्फ सेट करना होता है। वापस ये क्लिप को लगाएंगे, ध्यान रखेंगे नट में जा करके वापस से ऐसे फिट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसका कूलेंट को लगाते हैं। ये कूलेंट एक लिक्विड होता है जो प्रोसेसर को ठंडा रखने में हमें मदद करता है। ज़्यादातर ये हमारे फ़ैन के साथ में हमको फ्री में मिल जाता है, नहीं तो ये आप मार्केट से 50 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद हम ये फ़ैन को लेकर के इसके ऊपर लगाएंगे। इसमें क्लिप्स होती हैं जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करके हम लोग इसको प्रेस करते हैं। प्रोसेसर के चारों तरफ हमको छोटे छोटे होल्स दिखाई दे जाते हैं जिसके ऊपर हमको ये रख करके करना होता है, क्लिप करना होता है सिर्फ। इसको इस तरह से हम लोग क्लिपिंग कर देंगे, सिर्फ प्रेस करेंगे ये अंदर हॉल की तरफ चला जाता है। अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बनाएं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आप इस चैनल पे, हम भी इस चैनल पे नए हैं और आप भी आए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और बनाते रहेंगे। आगे हमारा टैली रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियोस भी आएंगे, जिसमें आप टैली से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे, अकाउंटिंग, टैली में वाउचर एंट्रीज कैसे करते हैं। तो प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें प्रोसेसर फैन को पावर देना होता है, जिसका मदरबोर्ड में ही सॉकेट बना होता है, जिस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रोसेसर फैन या CPU फैन। उसमें आप इसको क्लिप कर देंगे। क्लिप करने के लिए आपको उसमें बने हुए रहते हैं इसके अकॉर्डिंगली कि आपको, आप रॉन्ग उसको क्लिप कर ही नहीं पाओगे। इसके बाद हम लोग ले रहते हैं रैम। रैम ये स्लॉट होता है, इसमें आप देख रहे होगे बीचों बीच कटिंग है, ये कटिंग उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। वहाँ पे आप इसको भी आप रॉन्ग साइड से इंसर्ट नहीं कर पाओगे। हमने यहाँ पे 4 GB का रैम लिया है, DDR3 रैम है, सेकेंड जनरेशन प्रोसेसर, इसलिए इसमें DDR3 रैम ही लगेगा। इसके दोनों साइड से आप प्रेस करोगे, ऑटोमेटिक दोनों साइड की क्लिप लॉक ले लेती है। ये हो गया हमारा मदरबोर्ड असेंबल रेडी। अब हमको देखना है हमारा कैबिनेट के लिए। कैबिनेट हम लोग अनबॉक्स कर रहे हैं यहाँ पे। कैबिनेट के अनबॉक्स, अब हम ये CPU को असेंबल करेंगे, मदरबोर्ड इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। मदरबोर्ड के साथ में हमको ये क्लिप मिलती है, इस क्लिप को हमको देख करके लगाना होता है। इसमें कुछ पोर्शंस होते हैं जहाँ पे ये पूरा सील्ड होता है, इसको हम लोग सील को ब्रेक करना पड़ता है। जस्ट आप इस तरह से मूव करोगे हैंड से तो ये रिमूव होकर टूट जाती है, ठीक है, काफ़ी आसान होता है। इसके बाद इस क्लिप को हम लोग इस तरह से यहाँ पे CPU के बैक साइड पैनल में सेट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास एक मदरबोर्ड के नीचे में फॉर्म होता है, फॉर्म को हम लोग क्लिप कर देते हैं ताकि हमारे मदरबोर्ड में किसी भी प्रकार का ग्राउंड अर्थ ना मैच करे। ग्राउंड अर्थ होने के कारण क्या होता है, कई बार आपका सिस्टम ऑटोमेटिक रीस्टार्ट ले लेता है, जिससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको फॉर्म को लगा करके ग्राउंड अर्थ को रोकते हैं।
इसके बाद ये हमने मदरबोर्ड लिया। मदरबोर्ड का आप अकॉर्डिंग देखोगे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। इसमें चार स्क्रूज दिए होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको इस सीपीयू में टाइट कर देंगे। काफ़ी आसान होता है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं होता। चारों स्क्रू टाइट कर देंगे। चारों स्क्रू टाइट होने के बाद हमने SMPS में देखा था, SMPS में हमारे पास ये 24 पिन का पोर्ट होता है, ये उसके अकॉर्डिंग आप मदरबोर्ड में क्लिप कर दोगे। फिर एक और पिन होती है 4 पिन की, जो कि लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे रहता है मदरबोर्ड पे। बहुत से मदरबोर्ड में चेंजेस होते हैं लेकिन ज़्यादातर मदरबोर्ड में ये लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे ही होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके USB और ऑडियो जैक जो फ्रंट साइड पैनल का होता है उसको मदरबोर्ड से अटैच करेंगे। पहले हम ऑडियो अटैच कर रहे हैं। ऑडियो की भी क्लिप आपको सिंपल, उसमें कटिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। USB में भी एक कटिंग होती है, वो USB आपको बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। बहुत इजी होता है ये सब करना। इसके बाद हम फ्रंट पैनल में जो हमारे बटन्स दिए हुए होते हैं रीसेट, पावर, LED, इन सब को हम लोग यहाँ पे मदरबोर्ड से अटैच करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं LED ऑप्शन HDD का। इसके बाद हम लोग लगाएंगे इसका रीसेट का बटन। रीसेट का बटन HDD पावर बटन के बगल में ही होता है। ब्लू ये आपका इसमें सेट हो गया। फिर हम लगाएंगे पावर LED का बटन, जो कि ग्रीन लाइट का सामने पैनल में दिखता होगा या ब्लू कलर का अपने को दिखता है। ये HDD LED के ऊपर में ही जस्ट लगता है। हम दोनों क्लिप्स को लगा देंगे। इसकी अलग अलग पिन होती है क्योंकि बहुत से मदरबोर्ड में गैप करके होता है, इसलिए वो अलग अलग देते हैं। इसके बाद ये है पावर बटन का सॉकेट, जो कि हम पावर बटन वाले सॉकेट में लगा दिए। इस कंप्यूटर में हम लोग SSD को असेंबल कर रहे हैं। हमारे कस्टमर ने SSD के लिए बोला है तो SSD लगा रहे हैं। SSD 128GB की है। ये 128GB की SSD काफ़ी कॉस्टली होती है लेकिन इससे कंप्यूटर बहुत अच्छा स्पीड चलता है। ये SMPS से एक जैक आता है जो कि हमारा SSD में लगेगा। इसमें भी आपने को उल्टा और सीधा नहीं लगा सकते हम लोग, जो ये एग्जैक्ट करेक्ट पॉइंट में जाता है क्योंकि इसमें एक कटिंग बनी हुई होती है। इसके बाद हम लोग इसको अटैच करेंगे मदरबोर्ड के साथ। डेटा केबल होता है SSD और मदरबोर्ड के बीच का। इसमें भी हमारे पास कटिंग बनी हुई होती है, एक मदरबोर्ड में लगेगा और एक आपकी SSD में लगेगा। ध्यान रहे कि जब हम दो हार्ड डिस्क असेंबल कर रहे हो तो ये मदरबोर्ड में साटा 0 लिखा होगा, उसमें आप पहले SSD का लगाओगे, फिर साटा 1 में आप हार्ड डिस्क लगा सकते हो, साटा 2 में आप CD ड्राइव लगा सकते हो, जैसा आपके मन करे। उसमें हम लोग उसके स्लॉट में माउंट कर देते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं होता। एक भी आप उसमें एक स्क्रू के साथ भी उसको मूव ऑन कर सकते हो। ये हमारा डेस्कटॉप असेंबल हो गया है। अब हम इसको पावर दे करके स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। VGA का सॉकेट VGA में लगा देंगे, मॉनिटर से जो प्लग आता है। उसके बाद हम इसको पावर देंगे, कोशिश करेंगे। फर्स्ट टाइम है तो आप थोड़ा सा इसको स्क्रू टाइट करके रखो। ये हमने पावर का सॉकेट लगा दिया। देखा, हमने थोड़ा सा टाइट नहीं किया था तो शायद हमारा VGA का केबल निकल गया, हमको दोबारा से वापस लगाना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम इसको पावर ऑन देते हैं। पावर बटन हमने प्रेस किया और ये हमारा डिस्प्ले आ गया है सिस्टम के ऊपर में। ज़ेब्रॉनिक चूँकि ये बूटेबल नहीं है इसलिए बूट डिवाइस दिखा रहा है।